सो गाइज दिस इज द लुक जो आप सीखने वाले हैं मेरे इस ट्यूटोरियल में सो बेसिकली दिस इज अ वेरी नाइस करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल एंड हमने ज्वेलरी हैवी रखी है बट विद नो एयर रिंग्स एंड ब्यूटिफुल हैंड ज्वेलरी एंड हम मेकअप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस लग रहा है ये मेकअप सीखने के लिए हमारे ट्यूटोरियल पे बने रहे एंड क्या करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड आई होप कि आपको हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सुंदर लगेगी एंड लहंगा इज लुकिंग ऑल्सो वेरी वेरी प्रिटी एंड प्लीज वॉच आर सो मेनी रील्स एट आर इंस्टाग्राम हमारे इंस्टाग्राम का नेम uh, है साक्षी गुप्ता क्लास विद्लास इन डेली एंड इट विल बी अस डेज मेकअप क्लास सो जल्दी जल्दी मेकअप नुकसान सीखने के लिए हमें कॉल करें एंड आपको कॉल का नंबर मिल जाएगा इन uh, कहा मिलेगा हमें नंबर इंस्टाग्राम पे बाकी मैं बता देती हूँ नाइन एट सेवन सिक्स टू नाइन जीरो नाइन सेवन वन सो हमारे स्टूडियो में बने रहे सो हेज वीडियो शुरू कर रहे हैं सो गाइज वी आर बैक विद द टूटोरियल एंड मैं आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर दे रही हूँ सो दैट आपको ये लुक अच्छे से समझ आए तो ये हमारी मॉडल का बिफोर फेस है इन पर हमने करवा चौथ लुक करी थी बट आप इसको एज अ ब्राइडल मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्किन ड्राई है तो मैं अपने मैक के ब्रश के साथ सट्ट फुल्का मॉइस्चराइज़र जो है इनके फेस में अप्लाई कर रही हूँ एंड ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं तो हम इनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहे हैं एंड इनके हमने हस्बैंड को भी बना बुलाया था फॉर करवा चौथ की लुक कंप्लीट करने के लिए एंड ये हमारी मॉडल बने हैं आज के ट्यूटोरियल के लिए इन पर मैं आपको बहुत ही सटल सा मेकअप करके बताऊंगी कि हमें चबी फेस पे कैसा मेकअप करना चाहिए एंड बहुत मस्ती भी आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आईज पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया है एंड रियल टेक्निक ब्रश के साथ थोड़ा सा कंसीलर ब्लेंड किया है गाइज़ आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अगर आपको और अच्छी वीडियोस चाहिए मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं दैट यू नीड मोर ट्यूटोरियल्स मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं ओके okay, तो बहुत ज़्यादा डार्क तो मेरे को करना नहीं है तो मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेडो जो है वो स्मज कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे एंड क्रीज़ पे एंड ट्रांजिशन पे एक ही साथ मैंने ये शेडो जो है वो अप्लाई करा है इनके हमने एक बहुत ही अच्छा बन किया है सिंपल स्लीक सा आ, बन, बन किया है जो कि आप कभी भी किसी भी ब्राइट को भी दे सकते हैं देन हमने लिटल लिटल शाडो लगाया है उसके बाद हम थोड़ा सा आईलाइनर लाइनर का टचअप दे रहे हैं बट आईलाइनर के लिए हमने एक पेंसिल यूज़ की है जिसकी मैं ऑलवेज़ तारीफ करती हूँ मुझे अभी कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि कौन सी पेंसिल यूज़ किया बिकॉज मैं बहुत ट्यूटोरियल्स में बताती हूँ कि दिस इज़ माई फेवरेट पेंसिल ओके okay. तो इसके बाद हमने थोड़ा सा ब्राउन शेडो जो है वो छोटे ब्रश के साथ और पीछे पीछे लगाया बस इतना ही आई मेकअप करना था मुझे एंड हम अंडर आइज़ ऑलवेज़ क्लीन करते हैं गाइस ऑलवेज़ क्लीन मेकअप के लिए आपको क्लीन भी करना पड़ेगा जो सरफेस है जहाँ पे हमने फाउंडेशन अप्लाई करना है प्राइमर अप्लाई करना है मेकअप चाहे आप लाइट करें चाहे आप डार्क करें क्लीन मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारी जो मॉडल है उस पर हमने थोड़ा सा स्मैश बॉक्स का प्राइमर जो है वो अप्लाई किया एंड इसको हम ब्रश के साथ ऑल ओवर द फेस स्मच कर देंगे स्मैश बॉक्स का प्राइमर आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा बहुत ही अच्छा प्राइमर है जो कि हर एक स्किन टाइप पे चला जाता है एंड बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता स्मूथ सरफेस बन जाता है एक लाइन के फेस पे एंड गाइज हम बहुत सारी क्लासेस लेते हैं लुधियाना में एंड डेली भी अभी हम लेके आए हैं अगर आपको कुछ भी क्लास की डिटेल्स चाहिए आपको हमारे अंडर प्रैक्टिस करना है कम एंड ज्वाइन आर अकेडमी आप हमारी अकेडमी लुधियाना में ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड नंबर इज़ नाइन एट सेवन सिक्स टू नाइन ज़ीरो नाइन सेवन वन सो so गाइज़ हमने मूछी बना दी एंड ऑरेंज ऑरेंज अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा टैनिंग है मैं ऑलवेज़ कलर करेक्शन करती ही करती हूँ तो जो ऑरेंज मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम एले गर्ल एले गर्ल का कंसीलर हम थोड़े से अपने एक्स्ट्रा कंटेनर में डाल के रख लेते हैं सो दैट वेस्टेज ना हो प्रोडक्ट की एंड जो प्रोडक्ट है मैं डायरेक्टली अप्लाई ना करूँ क्लाइंट के ऊपर after that little bit more concealing we are doing and this is the shade worms and i'm using guys आप ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा लाइक करने वाले हैं बिकॉज़ इसमें मैंने ईच एंड एवरी डिटेल बताई है थोड़ा स्लो ट्यूटोरियल रखा है सो so दैट आपको समझ आए एंड अगर आप कोई भी मेरी लुक रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टा पे टैग कीजिए हम आपका पोस्ट रीशेयर करेंगे एंड बताइएगा हमें कि आपने कौन सी लुक रिक्रिएट करी है तो अभी हम अपने फ्लफी ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं थोड़ा स्किन के साथ ईवन कर रहे हैं आप देख सकते हैं ऑरेंज का इफेक्ट जो है वो टोटली ख़त्म हो रहा है आपका मेकअप कभी भी ऑरेंज नहीं लगेगा अगर आपको लगता है कि आपके मेकअप में ऑरेंज ऑरेंज दिखता है तो आप ये टेक्निक डेफिनेटली यूज़ करिए तो फाउंडेशन अभी हम अप्लाई कर चुके हैं फाउंडेशन में मैंने दो ब्रांड्स मिक्स किए हैं वन इज़ नाज माय वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड एंड सेकेंड इज़ शारलेट टिलबरी शार्लेट टिलबरी का जो नंबर हमने लिया है दैट इज़ सेवन एंड जो हमने फाउंडेशन नाज की इसमें मिक्स किए हैं दैट इज़ पंजाब ये शेड दोनों मिक्स करके हमने उनके लिए बहुत ही अच्छा सा शेड बनाया है एंड ऑल फेस हमने कवर किया है एंड इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं अपने फ्लफी ब्रश के साथ एक फ्लफी ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए अभी तो हमारे ट्यूटोरियल में थोड़ी सी शांति चल रही है बिकॉज जब मैं काम कर रही होती हूँ मुझे फोकस्ड रहना बहुत पसंद है गाइस हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो करें बाद में ऑफ साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो हमने ऊपर लिखा भी हुआ है आपको डेफिनेटली हमारा इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज हम बहुत सारा फनी फनी कंटेंट भी वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं सो so, मुझे टाइम आ गया है ओह तो मुझे हम अप्लाई कर देते हैं मैं ऑलवेज क्लाइंट को थोड़ा हंसाने के लिए मैं मुझे बना देती हूँ मेकअप करने के टाइम पे एंड आफ्टर दैट मैं इसका थोड़ा ब्लेंड कर देती हूँ तो अभी हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं लाइट पेज फ्रॉम टू एंड हम इसको ऑल द फेस ब्लेंड कर देंगे अच्छे से Guys, आपको अगर मेकअप नहीं आता है बट अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देखते होंगे आपको आई आई थिंक कि आपको हाफ ऑफ द मेकअप आ चुका होगा बिकॉज बहुत ही डिटेल्स मैं देती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको प्रॉपर लर्न करना है ओ हो मत करो ऐसे उप ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा बीच में थोड़े थोड़े फनी शॉर्ट्स देते रहते हैं ओके okay, तो अगर आपको हमारा अकेडमी uh, ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल करें एंड आप बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हैं लाइव अदरवाइज हम ट्यूटोरियल्स में आपको सब कुछ गाइड कर रहे हैं देन <laughs> अभी हम थोड़ा सा कंसीलर ब्लेंड कर रहे हैं छोटे ब्रश के साथ आप चाहे तो बिगर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अभी ये ट्यूटोरियल में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आ रहा होगा बिकॉज हर एक स्टेप इज क्लियर कंसीलिंग हम करते हैं थोड़ा सा फेस को इनलाइटेड दिखाने के लिए हाईलाइटेड दिखाने के लिए एच डी इफेक्ट शो करने के लिए <laughs> ओके okay गाइस मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस वीडियो का आपका बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है नीचे बताएं आपने दो चीज़ें बतानी है कि व्हाट इज द बेस्ट पार्ट इन दिस वीडियो एंड सेकंड हमने कौन सी आईलाइनर पेंसिल यूज़ करी थी तो थोड़ा थोड़ा ब्लशी ब्लशी चीक करते हुए हम अपने ये ब्लशर वाली टेक्निक कभी छोड़ते नहीं हैं आई ऑलवेज फॉलो दिस टेक्निक ऑन माई क्लाइंट्स बिकॉज आई लव टू डू Blushy cheeks, I love to do blushy cheeks. Then इसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है फेस पे एंड हम पाउडर वगैरह लगाएंगे उसके बाद हम eyes करेंगे बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो पेंडिंग हैं स्मर ब्लश वो लगता है मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही ब्लशर अप्लाई कर दिया अब देन अगेन इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंड 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 सी गाइज़ ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो मेकअप आपका वहीं का वहीं पड़ा दिखेगा एंड आपका क्लाइंट बोलेगा कि मेकअप के की है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट बिल्कुल ना आपको बोले कि मेकअप के हो रहा है अगर आप अपने फेस पे पर मेकअप नहीं देखना चाहते तो ऑलवेज़ मेकअप अच्छे से ब्लेंड करना है एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड गाइज आई रियली मिसड यू बहुत दिन पहले बिकॉज़ मैं बहुत बिजी थी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बट राइट नाउ आई एम बैक अगेन एंड आई विल ट्राई कि मोस्टली एंड सारी वीडियोस मैं ही आपके लिए वॉइस ओवर करूँ सो दैट आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग फॉलोइंगस आपने मेरा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ईयर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल किया आप मेरी एक फैमिली का पार्ट हैं अरे ये तो मुझे मार ही देगी मुझे लगता है so guys, सो गाइज मैनू ये भी दसो कि पंजाबी आँदी है, है कि नहीं आँगी मैं देखना चाहनी है कि किन्ने पंजाबी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं पंजाबी में मैंने अभी बोला था बट बोला मैंने ये था कि मैं देखना चाहती हूँ कि पंजाबी किस किस को आती है तो जिस जिसको पंजाबी आती है वो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर नहीं भी आती तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पंजाबी नहीं आती बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि एक ट्यूटोरियल मैं पंजाबी में करूँ बट अगर हमारी ऑडियंस पंजाबी में कम है, तो फिर मैं पंजाबी में नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बहुत सारे जो व्यूज़ हैं वो ये वीडियो नहीं देख पाएंगे तो अभी हम आई का टचअप दे रहे हैं विद आर सिफोरा का आई guys also my brother is also doing same makeup looks and unka bhi page hai youtube pe matlab channel hai and unka name hai himanshi gupta makeup artist go and search his uh, makeup page मतलब channel on youtube so that आपको double double gain हो double profits हो uh, double knowledge आपको मिले सो आई लाइनर हम अप्लाई कर चुके हैं आई लव विंग आई लाइनर मुझे क्लाइंट्स पे विंग आई लाइनर देना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो आई को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है आप देख सकते हैं जस्ट लिटल सा शाडो किया था बट अभी शाडो के बाद हमने जस्ट आई लाइनर जो किया है वो कितना सुंदर लग रहा है एंड ऑल्सो वी आर डूइंग द ब्रोज विद आर फोरे फिफ्टी टू का टेंट ये आप टेंट आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको आई बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखने हैं जस्ट थोड़ा थोड़ा कलर देना है तो आप डिफ्रेंस देख सकते हैं मॉडल हमें बहुत तंग कर रही है भाई ये थोड़ा सा हमने फ़नी ट्यूटोरियल आप सबके लिए शूट किया था सो so दैट आप सबको थोड़ा इम्प्रेसिव लगे कि क्लाइंट समटाइम्स फनी भी हो सकता है <laughs> ये ओके okay, तो अभी हम लैशज़ अप्लाई कर रहे हैं लैशेज़ मैं आपको बताना चाहूँगी हमने यूज़ करी हैं सिनोरा से सिनोरा का एक पेज है ऑन इंस्टाग्राम अभी उन्होंने कुछ पोस्ट नहीं किया है बट दे आर वेल इन ब्रशेस लैशेज एंड ऑल्सो इन ज्वेलरी सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दर पेज आप उनका पेज चेक कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ सिनोरा एस आई एन ओ आर ए एच तो ब्रोज़ अभी हम बना रहे हैं फॉर एवर फिफ्टी टू की ब्रो पैलेट के साथ दिस इज़ माई फेवरेट ब्रो पैलेट मुझे बहुत ही स्मूद मेल्टेड बटरी सी ये पैलेट लगती है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि प्रोडक्ट बार बार लेना पड़ेगा सो आई टेक प्रोडक्ट वन टाइम ओनली एंड उसके बाद मैं आई ब्रोज़ ड्रॉ करती हूँ एंड आई फील कि मुझे और प्रोडक्ट चाहिए तो मैं दोबारा से प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ तो गाइज़ हमारा जो टूटोरियल है दैट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड बूमरो बूमरो बुमरो बुमरो तो नोज कंटोर की टर्न आ गई है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मरन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज शार्लेट ब्री एंड ब्लशर पैलेट ये पैलेट मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी बट ये पैलेट अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है मुझे ऐसे के ब्लश कलर्स बहुत पसंद हैं अपने ऊपर भी एंड अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी तो आईज अभी हम खोल चुके हैं डाउन मस्कारा हम करेंगे इसके बाद बिकॉज आई फील कि जब आप ऊपर लैशेज लगाते हैं तो डाउन मस्कारा जब हम करते हैं तो आइज और अट्रैक्टिव दिखती हैं यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। अब हम दूसरी साइड भी अप्लाई कर रहे हैं आई रियली फील कि हर एक पार्ट जो है वो आइज़ का बहुत सुंदर लगे सो दैट अट्रैक्टिव मेकअप लगे अगर आप बेस कम भी अप्लाई करेंगे तो आइज़ अट्रैक्टिव होंगी तो मेकअप एकदम अमेजिंग लगेगा तो अभी हम लिप शेप बनाते हुए कलर बार की लिप पेंसिल के साथ जिसका नेम है चॉकलेट ब्राउन एंड आई नो कि आप सबको ये लर्न हो गया होगा कि आई यूज चॉकलेट ब्राउन के लिप पेंसिल इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लिप कलर अप्लाई करेंगे लिप लाइनर जो है वो आपको थोड़ा डार्क यूज़ करना है नॉट वेरी लाइट अदरवाइज लिप्स की शेप डिफाइन नहीं होगी वाओ Guys, I'm really loving this look. आप देख सकते हैं हमने जस्ट मैटाइज करी टू शेडोज यूज करी हमें लगता है कि हेवी हैवी यूज करने से मेकअप अच्छा लगता है बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ओके सजेस्ट है लुक शी इज लुकिंग सो प्र इनका इमेजिन नहीं हो रहा था कि वो कैसे लग रहे हैं आपने मे भी ये वीडियो मेरी यू उस पर इंस्टाग्राम पर देखी होंगी बिल्कुल भी इन्होंने मेकअप नहीं देखा था शी वॉज जस्ट एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एक्टिंग एज की मतलब कैमरा में देख रहे थे कि मैं देख पाऊँ कि नहीं पर मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था तो अभी शी इज वॉचिंग हर सेल्फ एंड शी इज रियली लविंग हर लुक एंड नाउ वी यूज ज्यूलरी डो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आपको हमारे ये मेकअप लुक कैसी लगी दिस इज अ ब्यूटिफुल करवा चौथ मेकअप लुक एंड देख सकते हैं हमारी करवाचौ ब्राइड इज लुकिंग सो प्रिटी एंड करवा चौथ मेकअप की रील हमने इंस्टाग्राम पे डाली है गो इन चेक पेज आउट एंड सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को फॉलो करते रहे शेयर करते रहे धन्यवाद बाय एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं टाटा -टा।